हाय गाइस, वेलकम टू पीकी गेमिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने GTA San Andreas में GTA मिक्स्ड का मोड किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, ये मैं GTA मिक्स्ड का मोड विद ग्राफिक मोड आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस बहुत से लोगों ने GTA मिक्स मोड इंस्टॉल किया, लेकिन जब गाइस आप उस पर ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करने जाते हो तो आपका जो गेम है वो क्रैश हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ग्राफिक्स मोड और कुछ एक्स्ट्रा मोड्स के साथ मैं आपको GTA मिक्स्ड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है आज की, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप GTA San Andreas में GTA मिक्स्ड मोड विद ग्राफिक्स मोड एंड अदर मोड के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो गाइस, सबसे पहले हमने GTA San Andreas गेम चाहिए हमारे को GTA में इंस्टॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो GTA San Andreas है उसमें कोई भी मोड इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। तो हम इसके फाइल लोकेशन को ओपन कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे फाइल लोकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ मोड्स आ जाएंगे इंस्टॉल हुए हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है चेक करने के लिए आप लोगों के लिए। तो गाइस, सारे मोड्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो कन्फर्म वर्किंग मोड होते हैं। तो गाइस, इसलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप GTA मिक्स्ड में ग्राफिक मोड किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं GTA मिक्स्ड, क्योंकि गाइस कुछ लोगों का जो GTA मिक्स्ड इंस्टॉलेशन है वो भी करेक्टली नहीं होता है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास है एसेंशियल पैक। तो एसेंशियल पैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सारे फाइल्स का। तो वहाँ से जाकर अपने से डाउनलोड कर लेना है। तो इन सब फाइल्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने GTA San Andreas की डायरेक्टरी में ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो गाइस, अगर आपको डायरेक्टरी का नहीं पता तो ये जो GTA San Andreas का आइकन है जहाँ से आप अपना गेम प्ले करते हैं, तो गाइस वही आइकन वाले फोल्डर में आपने इन सब फाइल्स को ड्रैग करके ड्रॉप करना है और गाइस रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि गाइस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मोड्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं इसमें, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन गाइस आप लोगों ने इसे रिप्लेस करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, GTA मिक्स्ड के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपने मोड के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे इन सब फाइल्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और ड्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसे भी रिप्लेस करना है अगर आपके पास ऑप्शन आए तो। तो फ्रेंड्स, वैसे मेरे पास तो लाजमी आएगा क्योंकि मैंने पहले ही ये मोड इंस्टॉल किया है चेक करने के लिए। तो गाइस मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मोड्स ऐड कर दिए हैं। तो गाइस, अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो गाइस मेरा जो पूरा गेम है वो क्रैश हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये है हमारा ब्लैक रोड मोड। तो गाइस, GTA San Andreas को एक अच्छा और नया लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक रोड मोड का इंस्टॉल किए ब्लैक रोड मोड का यूज़ किया है। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड है ये, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वहाँ से जाके अपने से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, इससे हमारे जो गेम का लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है GTA San Andreas का। तो वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो गाइस, वैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने GTA San Andreas के फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है और देन यहाँ पे आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का नोटिफिकेशन आ रहा है क्योंकि गाइस ये मोड भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो आपने इंस्टॉल बटन क्लिक करना है। तो गाइस, इसके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे वो आपने एग्री करने और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो हम क्लोज कर देते हैं इसे। और उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास जो आता है वो है ENB। तो ये एक बेसिक ENB है GTA San Andreas GTA मिक्स्ड मोड के लिए स्पेशल है। तो गाइस, बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स ये ENB को ढूंढने में और फ्रेंड्स इसे GTA मिक्स्ड में फंक्शनल बनाने के लिए। तो गाइस, इसके लिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भी ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो गाइस, ये GTA 5 ENB के नाम से GTA San Andreas की ENB है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इस मोड का ऑथर है तो गाइस आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड बनाया है GTA San Andreas के लिए, इतना मैं कहना चाहूँगा। तो गाइस, इसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ भी इसे सेलेक्ट में फोल्डर पर क्लिक कर GTA San Andreas सेलेक्ट करना है एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो गाइस, इसके अलावा भी मैंने GTA San Andreas में और भी बहुत सारे मोड्स इंस्टॉल किए हुए हैं, लाइक चैट मेन्यू या मेन्यू ट्रेनर वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारे मोड्स हैं। तो गाइस, अगर आप वो मोड्स भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो गाइस, बस ये जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो गया है।
अब हम अपने गेम को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ से जी टी एस ए के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और क्या यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस इसका जो ईएनबी है ये भी वर्क कर रहा है, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो गेम में सीएलयू हमने इंस्टॉल किया है वो भी वर्क कर रहा है। तो लोड करते हैं हम। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गेम है वो लोड हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स जी टी ए सैन एंड्रियास का एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हमारा जी टी ए सैन एंड्रियास। तो थोड़ा हाउस जो था वो हमारा ब्लैक ब्लैक सा लगता था, और गाइस हमारे जो नाइट वेदर है आप लाइट वगैरह देख सकते हो गाइस, ग्राफिक्स मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। स्काई देख सकते हैं आप और क्लाउड्स भी रियल हो गए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स थोड़े थोड़े 2D क्लाउड्स लग रहे हैं ये, क्योंकि गाइस जी टी ए सैन एंड्रियास में क्लाउड्स 3D नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो फ्रेंड्स बाकी ओवरऑल जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं नाइट से डे करता हूँ, तो हम सिंपली टाइम पे आते हैं। टाइम से कहाँ आया हूँ मैं, नून 12। तो गाइज ये मैंने डे कर दिया और जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को इसमें जी टी ए मिक्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैप में आते हैं और यहाँ से आपने ऐसे छोटा करना है। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है हमारा जी टी ए मिक्स का वर्किंग मोड। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर टेलीपोर्ट करते हैं और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रोड भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक कार ले लेते हैं अच्छे सी। तो फ्रेंड्स गैरेज में कौन सी कार है भाई, तो ट्रिज्मो है यहाँ पे। तो हम इस कार में एंटर करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को टेलीपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं और आप वेदर वगैरह भी देख सकते हैं गाइस। जी टी साइन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और गाइस आप रोड टेक्सचर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक रोड लग रहा है जी टी साइन एंड्रियास का। और गाइस यहाँ पे तो ट्रैफिक ही ऐसे रहती है जी टी साइन एंड्रियास की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन रोड देखने को मिलेगा और उसके गाइस आप जिस सिटी में इंटर करते हो आप लोगों को सिटी का रोड भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने जी टी ए वॉइस सिटी की तरफ। तो यहाँ पे इंटर करते ही आपका जो रोड है वो जी टी ए वॉइस सिटी का देखने को मिलेगा। तो गाइस अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को मैप दिखाता हूँ जी टी ए वॉइस सिटी का। तो फ्रेंड्स अगर मैं पूरा गेम फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह घुमाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को दोनों सिटीज़ दिखा देता हूँ, दोनों आइलैंड जो भी हमारा जी टी ए वॉइस सिटी और जी टी ए 3 का। तो यहाँ पे हमने टाइम को दोबारा से करना है चेंज। तो टाइम तो वही है हमारा, अब वेदर पे आते हैं गाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस ये है हमारा एक्स्ट्रा सनी वेदर। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा लुक है वैसे जी टी ए वॉइस सिटी का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और गाइस रियलिस्टिक की बात करें तो गेम में थोड़ा सा रियलिस्टिक आ गया है जी टी ए सैन एंड्रियास में ग्राफिक्स मोड की वजह से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गेम के टेक्सचर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं नॉर्मल गेम से। तो अब हम चलते हैं जी टी ए 3 की तरफ। तो गाइस ये है हमारा जी टी ए 3 गेम। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे जी टी ए 3 का जो लुक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है जी टी ए वॉइस सिटी के मुकाबले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग बिल्डिंग टेक्सचर वगैरह भी देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड था ये, हमने जी टी ए सैन एंड्रियास को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो गाइस बस यहीं पे एंड करते हैं आज के इस एपिसोड को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।